26 जनवरी हमारा गणतंत्र दिन है। 15 अगस्त को हमारा देश आजाद हुआ और 26 जनवरी को गणतंत्र संविधान लागू हुआ। तो राम कथा तो करनी ही है, लेकिन भक्तों हम जिस देश में चैन की सांस रात को सोते हैं ना, हम इसलिए चैन की सांस आज रात को सो पाते हैं या सुबह जगकर अपना काम करते हैं या घंटों भर बैठकर कथा सुन सकते हैं, क्योंकि हमारे पूर्वजों ने इस देश को सुरक्षित करने के लिए बहुत मेहनत की है, बड़ी मेहनत की है। सीमा पर खड़े हुए जवान या इस देश की रक्षा करने वाले भगत सिंह, तो भक्तों इन इन महानुभावों ने हमारे देश के लिए जो कार्य किया और इन 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 महानुभावों ने अपने जीवन को तबाह किया, फनाह किया, ताकि आज हम चैन से भजन कर सकते हैं, भक्ति कर सकते हैं, सो सकते हैं। हम उनके लिए क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते। जिन लोगों ने हमारे देश को सुरक्षित रखा उनके लिए हम कुछ नहीं कर सकते। एक चीज कर सकते हैं कि ऐसे पवित्र पर्व पर उनको याद कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बान, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो। जब घायल हुआ हिमालय, खतरे में पड़ी आजादी, जब तक थी सांस लड़े वो, जब तक थी सांस लड़े वो, फिर अपनी लाश संगीन पे धर के माथा, सो गए अमर बलिदानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बान। कोई सिख कोई मराठा, कोई सिख कोई मराठा, सरहद पर मरने वाला, सरहद पर मरने वाला, हर वीर था भारतवासी, जो खून गिरा पर्वत पर वो खून था हिंदू से। हमारे देश के बहुत सारे नाम है, एक तो है भारत के भगवान ऋषभ देव के पुत्र के नाम से ये इस देश का नाम भरत, राजा भरत के नाम से भारत हुआ, ऐसा भागवत में वर्णन है। भागवत के अनुसार ऋषभ देव के पुत्र के नाम से भारत, परंतु महाभारत के आदि पर्व में 74 नंबर के अध्याय के 131वें श्लोक में ऐसा लिखा है कि हमारे देश का नाम भारत राजा दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र भरत के नाम से हुआ। इसे हमारे देश को इंडिया भी कहते हैं, हमारे देश को इंडिया कहते हैं,
सिंधु नदी के इंडिस नाम से हमारे देश का एक दूसरा नाम हुआ इंडिया। हमारे देश को हिंदुस्तान भी कहते हैं। अरब, अफगानिस्तान आदि गल्फ कंट्री के जो लोग हैं वे हमारे देश को हिंदुस्तान कहते हैं। हिंदुस्तान का अर्थ होता है हिंद की भूमि, स्थान माने भूमि, हिंद की भूमि हिंदुस्तान। हमारे देश का चौथा नाम है आर्यव्रत, आर्यवर्त। हमारे देश को आर्यवर्त भी कहते हैं। ये आर्यों की भूमि हुआ करती थी, बड़ी सुसंस्कृत लोगों की भूमि हुआ करती थी। हमारे देश का पांचवा नाम है जम्बू द्वीप। इस भारतवर्ष को जम्बू द्वीप भी कहते हैं। इस देश का छठा नाम है अजनाभ वर्ष। अज माने भगवान ऋषभ देव, स्वयं भगवान। नाभ माने महाराज नाभि। अज और नाभि के नाम से हमारे देश का नाम अजनाभ वर्ष भी हुआ करता था। और सातवा हमारे देश को, जैसे पेट नेम होता है ना, अपने बच्चों का एक ऐसा एक प्रेम से नाम रखते हैं, जैसे जिसकी कथा हम गा रहे हैं इनका नाम है राम। वशिष्ठ जी ने भगवान का नाम रखा राम, लेकिन कौशल्या राम कह के नहीं बुलाती थी। कौशल्या भगवान रामचंद्र को राघव कह के बुलाती थी। मां कौशल्या प्रेम से राघव कहती थी। ठीक उसी प्रकार हमारे देश को किसी सदी में सोने की चिड़िया कहा जाता था। यह भारतवर्ष सोने की चिड़िया हुआ करता था। हमारा देश बहुत धनी था, इकोनॉमिक में पूरी दुनिया में सबसे आगे हमारा यह देश भारत था। हमारे भारत की एक विशेषता मैं आपको बताऊं, हमारे भारत की विशेषता यह है कि विविधता में एकता। हमारे देश में कितनी विविधता है, हमारे देश में धर्म कितने हैं। भारत में जितने धर्म हैं उतना दुनिया में कहीं और इतने धर्म नहीं है। असंख्य धर्म भारत में, हिंदू में भी कितने सारे धर्म, लेकिन असंख्य धर्म विविध, विविधता होकर भी भारत में एकता है। मुझे महाभारत का प्रसंग याद आ रहा है कि एक समय किसी ने दुर्योधन को हरा दिया और दुर्योधन को बंदी बना लिया। तब युधिष्ठिर महाराज ने भीम और अर्जुन को भेजा, जाओ और दुर्योधन को मुक्त करा कर लाओ। भीम और अर्जुन कहने लगे, भैया लेकिन दुर्योधन तो हमारा शत्रु है, दुर्योधन तो हमें बहुत मारने का प्रयास किया, वो तो हमारा दुश्मन है, और यदि किसी ने दुर्योधन को पकड़ लिया तो हमारा काम आसान हो गया, आप हमें उसे छुड़ाने के लिए क्यों कहते हैं। महाभारत में धर्मराज युधिष्ठिर ने बहुत सुंदर बात बताई भक्तों, कि हम मानते हैं कि दुर्योधन हमारा शत्रु है, उन्होंने हमारे साथ गलत व्यवहार किया, हमारे लिए दुर्योधन शत्रु है, लेकिन जब दुनिया के सामने हम खड़े हैं, मतलब हम पांच भाई हैं, पांडव पांच हैं, अर्जुन हम पांच हैं, लेकिन दुनिया वालों के लिए हम पांच नहीं, हम 105 हैं, हम 105 हैं। हमारी आपसी जो दुश्मनी, आपसी जो झगड़ा है वो हमारे घर का है। जब दुनिया वाले हमारे सामने खड़े हों तो हम पांच नहीं, हम 105 हैं। ये भारत देश है। इस देश में सब लोग अपने अपने मजहब, अपने अपने धर्म में स्थित हैं, लेकिन जब कोई आपत्ति आ जाती है तो हमारा देश एक होकर, विविधता में एक होकर खड़ा रहता है, धर्मराज युधिष्ठिर की तरह। और इसीलिए तो प्रदीप जी ने लिखा ना, कोई सिख कोई मराठा,
कोई सिख कोई मराठा सरहद पर मरने वाला सरहद पर मरने वाला सरहद पर मरने वाला हर वीरता भारतवासी जो खून गिरा प्रदीप जी लिखते हैं कि युद्ध करते हुए कौन गुरखा कौन मराठा कौन सिख युद्ध करते हुए जो खून गिरा वो खून भारत का था वो खून था हिंदुस्तानी जो खून गिरा पर्वत पर वो खून था हिंदुस्तानी जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो थी खून से लथपथ काया फिर भी बंदूक उठा कहने का अर्थ यह है कि हम आपस में हमारे मजहब कुछ भी हो लेकिन विविधता में हमारी एकता है ये हमारे भारत की बड़ी महिमा है और अब आध्यात्मिक दृष्टि से बात करूं तो भगवान रामचंद्र ने कहा कि मनुष्य का जीवन मिलना और मनुष्य का जन्म वह भी भारत में मिलना यह जीव का सबसे बड़ा सौभाग्य है क्योंकि भारत ही भाग्य विधाता है सबसे बड़ा सौभाग्य क्या है इस जीव का सबसे बड़ा सौभाग्य यह है कि भारत भूमि में मनुष्य का जन्म मिल जाए यह मैंने ही कहा रामायण में भगवान रामचंद्र कहते हैं बड़े भाग मानुष्य तन पा सुर दुर्लभ मुनि संत रुगा भारत में जन्म मिलना ये बहुत बड़े सौभाग्य की बात है बड़े भाग भगवान रामचंद्र जब अयोध्या के राजा बने राजा बनकर प्रथम प्रवचन किया और अपनी पूरी अयोध्या को संबोधित करके कहा कि हे मेरे अवधवासियों हे मनुष्यों हम बहुत बड़े सौभाग्यशाली हैं क्योंकि हम सब का जन्म भारत देश में हुआ भक्तों अभिमान तो नहीं लेकिन गौरव तो जरूर है कि जन्म भारत की भूमि पर हुआ भगवान रामचंद्र ने कहने तो विचार करो कि यदि हमारा जन्म किसी ऐसे देश में हुआ होता जहां बचपन से ही बच्चों को बकरों का गला काटना गाय का गला काटना सिखाया जाता है ट्रेनिंग दी जाती है कितने कितने पाप हम कर बैठते लेकिन धन्य है संत और शूरवीरों की भूमि इस भारत में हमारा जन्म हुआ इस देश ने हमें जगदीश चंद्र सुभाष चंद्र बोस दिए इस देश ने हमें छत्रपति शिवाजी जैसे शूरवीर प्रदान किए इस देश ने वेदव्यास सुखदेव सूत जैसे ध्रुव प्रहलाद जैसे भक्त दिए क्या नहीं दिया इस देश ने विदेशों में आज अमेरिका यूरोप जो बड़े बड़े डॉक्टर या बड़े बड़े इंजीनियर की पोस्ट पर जो बैठे हैं वे सब हमारे भारतीय बैठे हैं
ज्ञान, एजुकेशन सब कुछ इस देश में है। इसलिए तो भगवान रामचंद्र ने कहा, बड़े भाग, भाग माने भाग्य है हमारा कि मानुष्य तन, एक तो मनुष्य का शरीर, ऊपर से भारत देश में जन्म हुआ। भक्तों क्या कहूं, भागवत के पांचवें स्कंद में स्वर्ग में रहने वाले देवता स्वर्ग में रहकर भगवान से निरंतर प्रार्थना करते हैं, प्रभु ये देव शरीर प्राप्त करके तो हम घाटे में रह गए, भले हम लोग स्वर्ग में हैं, तेतम भूतवा स्वर्ग लोकम विशालम, यहां पर सुख है आनंद है, लेकिन प्रभु यहां आपकी कथा नहीं है, आपकी भक्ति नहीं है, प्रभु यहां मुक्ति नहीं है। प्रभु यदि आप हम पर कृपा करो तो हमें मनुष्य का जन्म मिले और भारत भूमि में आप ऐसा आशीर्वाद है, श्री चैतन्य की इस भूमि पर हमें जन्म मिले, आप हमें ऐसा आशीर्वाद कीजिए। सो भारत का अर्थ होता है ज्ञान में रत रहना, और हम सब का धर्म है कि हम ज्ञान में रत रहे, और प्रत्येक भारतीय का धर्म है कि स्वयं ज्ञान अर्जन करे और अन्यों को ज्ञान प्रदान करे, अन्यों को ज्ञान प्रदान करे। श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा, भारत भूमि ते हैल मनुष्य जन्म यार, इस भारत जैसी भूमि पर जब हमारा मनुष्य जन्म मिला है तो जन्म सार्थक कोरी कर पर उपकार। तो पहले हम अपना जन्म सार्थक करे, ज्ञानी बने, ज्ञान ग्रहण करे और कर पर उपकार। अब जब हमारे पास ही ज्ञान नहीं है तो दूसरों पर क्या खाक उपकार करेंगे। कुछ लोग कुछ ब्राह्मणों के पास जाते हैं, कुछ ऐसे तथाकथित गुरुओं के पास जाते हैं, हे गुरु जी कुछ कृपा कीजिए, गुरु खेनी खा रहा है, गुरु को गांजा पिए बिना आंख नहीं खुलती है, वो ज्ञान क्या खाक जाड़ेगा। इसलिए महाप्रभु का बहुत सुंदर वचन, भारत भूमि त हैल मनुष्य जन्म जा, जब भारत में ही जन्म हुआ है तब जन्म सार्थक करी कर पर उपकार। हमारे सदग्रंथ चैतन्य चरितामृत में भी भारत के भारत भाग्य विधाता की बात आई कि भारत भूमि में जन्म हुआ है तो पहले स्वयं ज्ञानी बने, स्वयं अपना जन्म सार्थक करे और दूसरों के ऊपर उपकार करे। एक बात आप समझ लीजिएगा कि भारतीय होने का प्रमाण क्या है, हम लोग भारतीय हैं इसका प्रमाण क्या है, एक ही प्रमाण कि भारत का आदमी अपने लिए नहीं जिएगा, वो दूसरों के लिए जिएगा। भारत का आदमी अपने लिए नहीं जीता। कुछ लोग कहते ना कि देखो हम किसी का बुरा नहीं करते, बुरा नहीं सोचते, बुरा नहीं किसी का ये करते हैं, हम तो हमारी पत्नी का ध्यान रखते हैं, बच्चों का ध्यान रखते हैं, हमने हमारा कर लिया है, ये तो कुत्ता भी करता है, तूने कौन सा बड़ा काम कर लिया। अपने शरीर का ख्याल रखना, अपनी पत्नी अपने बच्चों का ध्यान रखना, ये तो पशु भी करते हैं। कली पावन अवतार चैतन्य महाप्रभु ने कहा, जन्म सार्थक करी कर पर उपकार। मनुष्य जीवन मिला है और इस भारत भूमि भारत देश में जब इतना सुंदर मनुष्य जन्म मिला है तो हम सबका कर्तव्य है हम दूसरों के ऊपर उपकार करें। अपने लिए तो सब लोग जीते हैं, अपने लिए जीना कोई बड़ी बात नहीं है। भक्तों इस संसार में कुछ करके जाना चाहते हो, इतिहास के पत्तों पर अपना नाम दर्ज करना चाहते हो तो परोपकार कीजिए, दूसरों के लिए जीकर देखिए। रात दिन अपने शरीर को सजाना सवारना, बस अपने अपने शरीर अपने परिवार के लिए ही मेहनत जीना। कृष्ण तो गाली देते, वो गधा है गधा, कि बस अपने में ही पड़ा है,
यस्यात्म बुद्धि, राम तो मर्यादा में है ना, बेचारे राम तो ऐसा नहीं बोलते, कृष्ण को कहे कि मर्यादा, वो तो सीधा है। मैं श्लोक में कहूं, भागवत में लिखा, यस्यात्म बुद्धि कृपणे त्रिधातु के स्वधि कलत्रा दिशु भौम में इज्जति या तीर्थ बुद्धि सलिले न कर ही चित नेश्व अभिज्ञेशु स एव गो खर। खर माने गधा, जो बस अपने में ही रचा पचा रहता है। जिस समय सुखदेव गोस्वामी का जन्म हुआ ना, जानते हो आप सुखदेव गोस्वामी? सुखदेव गोस्वामी का जन्म 14 वर्ष तक माता के गर्भ में रहे और भगवान ने कहा कि सुखदेव चिंता मत करो, माया तुम्हें स्पर्श नहीं करेगी, तुम बाहर निकलो। जैसे ही सुखदेव 14 वर्ष का बालक बाहर निकला ना, सोचा कि घर पर रहूंगा तो मोह माया ममता में फंस जाऊंगा, घर छोड़कर निकल गए, भागने लगे। व्यास मुनि पीछे पीछे दौड़ रहे हैं, पुत्रेति तन्मयत्या, हा पुत्र हा पुत्र, कहां जा रहे हो कहां जा रहे हो? बाप का हृदय कुछ आसक्ति है। गौर वन में सुखदेव जी चले गए और ब्रह्म समाधि में लीन हो गए और व्यास मुनि पुकार रहे, बेटा कहां हो कहां हो? सुखदेव ने जवाब नहीं दिया, लेकिन वन के वृक्ष बोल पड़े, वन के पेड़ पौधे बोल दिए, महाराज आप वापस लौट जाइए, वापस लौट जाइए। क्यों? क्योंकि महात्माओं के संतान, महात्माओं के संतान महात्माओं के लिए नहीं, वो तो जगत का उद्धार करने के लिए होते हैं, वो तो परोपकार के लिए होते हैं। परोपकाराय वहन्ति नद्या, नीति में लिखा है परोपकाराय वहन्ति नद्या, परोपकाराय फलन्ति वृक्ष, परोपकाराय सताम विभूति। संतों की विभूति, संतों की पहचान ही ये है कि जिनका जीवन दूसरों के लिए होता है। ये 250-300 के धोती कुर्ता पहनकर कोई साधु संत नहीं बनता, और यदि वहम है तो निकाल दीजिएगा। गोस्वामी तुलसीदास जी की भाषा में, शास्त्र की भाषा में जब पूछा गया संत कौन साधु कौन, तब गोस्वामी जी कहते हैं, पर उपकार वचन मन काया, संत सुभाव सहज खगराया। कागभूषणी जी गरुड़ जी को कहते हैं, गरुड़ हे खगो के बादशाह, हे खगो के देवता गरुड़, पर उपकार वचन मन काया, संत स्वभाव सहज खगराया। खगराज, संत वो है जो मन वचन और कर्म से मात्र और मात्र दूसरों के लिए जीते हैं, परोपकार करते हैं, परोपकार। उन वृक्षों ने कहा, व्यास मुनि आप वापस लौट जाइए। क्यों? क्योंकि नदी में कितना जल होता है, नदी में कितना जल होता है, लेकिन कभी आपने देखा कि नदी अपना जल खुद पीती है? वो जल दूसरों के लिए होता है। गाय में कितना दूध होता है, गौ माता कितना दूध देती है, लेकिन गाय का दूध वो खुद नहीं पीती, वो दूसरों के लिए होता है। ये वृक्षों पर कितने फल लगते हैं, लेकिन कभी आपने सुना देखा कि वृक्ष अपने फल खुद खाते हैं? वो फल दूसरों के लिए होते हैं। जैसे नदी का जल दूसरों के लिए होता है, गाय का दूध दूसरों के लिए होता है, वृक्षों के फल दूसरों के लिए होते हैं, वैसे संतों के जीवन अपने लिए नहीं, दूसरों का उद्धार करने के लिए होते हैं, परोपकार करने के लिए होते हैं। ये है भारत की पहचान। यदि हम भारतीय है तो दूसरों के लिए जिए, ये संत की पहचान है। वो प्रसिद्ध घटना आप सब जानते होंगे कि एक महात्मा जी नदी में स्नान कर रहे थे,
स्नान करते करते हाथ में जल सूर्य देव को अर्पण करने गए तो एक बिच्छू हाथ में आ गया। बिच्छू आए तो महात्मा जी ने देखा कि बेचारा डूब रहा है, तो इसे किनारे पर छोड़ दो। उस बिच्छू को हाथ में लेकर किनारे छोड़ने गए। अब बिच्छू का स्वभाव डंक मारना, उस बिच्छू ने जोर से डंक मारा, महात्मा का हाथ कांप गया। अब बिच्छू का डंक जिसे लगा है उसे पता होगा कि बिजली की तरह पूरे शरीर में दौड़ता है। महात्मा का हाथ कांप गया, बिच्छू गिर गया। फिर से महात्मा खोजने लगे, बिच्छू को फिर से हाथ में लिया और चलने लगे। बिच्छू ने फिर से डंक मारा। बिच्छू बार बार डंक मार रहा है और महात्मा जी बार बार उसे उठाकर किनारे पर लेकर जा रहे हैं। किनारे पर कोई सज्जन खड़े थे, उन्होंने कहा, महात्मा जी आप महात्मा हो, इतने बुद्धिमान हो, महात्मा जी इस बिच्छू को छोड़ दो। आप जानते नहीं, बिच्छू का स्वभाव है डंक मारना, वो आपको डंक मारे बिना नहीं छोड़ेगा। उस समय भारत के उस महात्मा संत ने इतना ही कहा कि इस सृष्टि का एक साधारण जीव बिच्छू जब अपना स्वभाव नहीं छोड़ सकता है, मैं तो भारत का संत हूं, मैं मेरा स्वभाव कैसे छोड़ सकता हूं। एक साधारण शूद्र निम्न कोटि का जीव जब अपना स्वभाव नहीं छोड़ पाता, तो मैं तो संत हूं, मैं तो साधु हूं, मैं मेरा स्वभाव कैसे छोड़ सकता हूं। बिच्छू का स्वभाव है डंक मारना और मेरा स्वभाव है डूबे हुए को तारना। यह है संत, जिसका जीवन दूसरों के लिए, मोमबत्ती स्वयं जल जाती है लेकिन प्रकाश देकर जाती है, अगरबत्ती स्वयं राख हो जाती है लेकिन दूसरों को सुगंध देकर जाती है। यह है भारतीय, यह है महात्मा। जब इस प्रकार का भाव और स्वभाव है तब अपने आप को भारतीय कहने का अधिकार है, नहीं तो कल से भारतीय कहना बंद करो। यह है भारत। मुझे याद आ रहा है, स्वामी विवेकानंद अमेरिका शिकागो की धरती पर उतरे और बहुत बड़े विद्वानों की सभा थी। स्वामी विवेकानंद आपके बंगाल से, मैं कुछ समय पहले शिकागो में मेरी कथा थी अमेरिका में, उस स्थान पर मैं जाकर आया, असंख्य विद्वान आकर बैठे हैं। अब विवेकानंद जी हमारी तरह नहीं थे, समय के बड़े पक्के थे, बिल्कुल समय से पहले जाकर वहां ऑडिटोरियम में बैठ गए, अपनी भगवत गीता साथ में लेकर गए। विवेकानंद जी ने अपनी भगवत गीता रखी, दूसरे कोई विद्वान वहां के अमेरिका के आए। अब इनको नीचा दिखाने के लिए उन्होंने क्या किया, गीता के ऊपर अपना ग्रंथ रख दिया, गीता नीचे हो गई, उनका ग्रंथ ऊपर हो गया। तीसरा कोई विद्वान आया, वो अपना ग्रंथ रखा, चौथा पांचवा, इतना बड़ा थप्पा हो गया सबके ग्रंथ विवेकानंद के ग्रंथ के ऊपर। सब लोग आ आकर भाषण करने लगे। अनाउंसमेंट हुआ कि भारत से आए हुए, बंगाल से आए हुए संत विवेकानंद जी आए और दो शब्द कहे। विवेकानंद जी ने कुछ नहीं कहा, अपनी जो गीता रखी थी ना उसे उन्होंने ले लिया। जैसे ही भगवत गीता ली, सारे ग्रंथ गिर गए। विवेकानंद जी ने इतना ही कहा कि ये तुम जितना भी लिखे हो, इन सब का आधार भगवत गीता है। यदि गीता को हटा लूं, तुम सब गिरे हुए हो। ये हमारा देश, ये हमारे ग्रंथ की गरिमा है भक्तों। हमारा देश धन्य है, हमारे ग्रंथ धन्य है, हमारी इस धरती के संत धन्य है। हमें गौरव लेना चाहिए। कई बार लोगों को कहने में भी लज्जा कुछ लोगों को आती है, हम भारतीय हैं। अपने आप को भारतीय कहने का गर्व समझे, क्योंकि ये देश हमारे भूतकाल में दुनिया में सबसे नंबर वन पर था और आने वाले भविष्य में भी जब इस देश की संस्कृति को लोग समझेंगे सबसे आगे निकल जाएगा। तो ऐसे भारत देश में हम लोग रहते हैं, परोपकार की भावना हम सबके अंदर है।